पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, कुछ भी खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि अब हम कैशलेस की ओर धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ा लिया है, पर हमें नहीं लगता कि निकट भविष्य में इन नकद करेंसी के बिना हमारा काम चल पाएगा। फिलहाल हमारा इन कागजी नोटों और इन सिक्कों से पीछा नहीं छूटने वाला है। क्या आप जानते हैं कि इन सिक्कों और कागजी नोटों की शुरुआत भारत में कब हुई? इन नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र कब छापे गए? ये सिक्के कब आनों से पैसों में बदल गए? इस तरह के तमाम रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आज का सत्र काफ़ी रोचक रहने वाला है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में सिक्कों का इतिहास और वर्तमान। भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत के शासकों द्वारा सिक्कों के निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका था। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे और चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ। बाद के वर्षों में सोने तथा अन्य धातुओं के सिक्के भी प्रचलन में आए। सिक्कों के साथ साथ भारत में मुद्रा के रूप में कौड़ियों का भी उपयोग किया जाता था। सन 1957 में यह तय किया गया कि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होगी। पहले इसे आनों में बांटा जाता था, तब 16 आने बराबर 1 रुपया हुआ करता था। 4 आने अर्थात 25 पैसे, 8 आने अर्थात 50 पैसे, 16 आने अर्थात 1 रुपये के सिक्के हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश में ब्लेड बनाने के लिए 5 रुपये के सिक्के की तस्करी की जाती थी। 5 रुपये के सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे और प्रत्येक की कीमत 2 रुपये थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद भारत सरकार ने सिक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेटल को ही बदल दी। आज़ादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। इसके बाद 1964 में एल्युमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। अगर आप सिक्कों को गौर से देखेंगे तो उसके जारी किए गए साल के नीचे डायमंड का निशान या डॉट का निशान या फिर स्टार का निशान मिलेगा। इससे आप जान सकते हैं कि यह सिक्का किस टकसाल में बना है। भारत में सिक्कों की ढलाई 4 टकसालों में होती है। यदि चीन डायमंड का है तो समझ लीजिए यह मुंबई के टकसाल से ढला है। यदि सिक्के पर डॉट का निशान है तो समझिए नोएडा। यदि सिक्के पर स्टार का निशान है तो समझ लीजिए हैदराबाद के टकसाल में ढाला गया है। और यदि सिक्के पर कोई भी निशान नहीं है तो ये समझ लीजिए कि यह कोलकाता के टकसाल में ढाला गया है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 10 रुपये के सिक्के बनाने का खर्च 6 रुपया 10 पैसा है। साथ ही यह भी जान लीजिए कि 1, 2, 3, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का प्रचलन 30 जून 2011 से पूरी तरह से बंद हो गया है। आइए दोस्तों, अब कुछ पुराने और कुछ नए सिक्कों पर नज़र डालते हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से आपके पास कौन से सिक्के नहीं हैं। दोस्तों, इनमें से आपके पास कौन कौन से सिक्के थे? आपके मन में क्या है? क्या इन पुराने हो रहे कुछ सिक्कों को रखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगला वीडियो भारत के पुराने और नए कागजी नोटों पर होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के पुराने नोट जो अब प्रचलन में नहीं है, नोटों की छपाई पर होने वाले खर्च, नोटों का आकार एवं साइज, नोटों पर छापे गए चित्रों का रहस्य तथा कौन कौन से देश हैं जहां भारतीय नोटों का मूल्य अधिक है। इस तरह के तमाम प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हंसिए, हंसाइए और मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।